हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.5 का जो लास्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 4, इसे ड्रॉ करना सीखेंगे। और ये थोड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। मज़ेदार क्यों है? यहाँ पर पहले तो पैरेललोग्राम बनाना है, जो कि अपने पहले 4.1 में और 4.3 दोनों जगह पर बनाया है। बस उससे ये अलग क्यों है वो देखो। तो ये पैरेललोग्राम ओके बनाना है, जहाँ पर हमारा ओ से के तक जो है 5.5 और के ए जो है वो 4.2 सेंटीमीटर का साइड होना चाहिए। इज इट यूनिक? क्या ये यूनिक है? तो देखो, यहाँ पर ना हमारे पास साइड्स तो दे दिया गया है, लेकिन आप अगर ध्यान दोगे तो 4.1 में जब आपने बनाया था तो पर दो साइड्स के अलावा आपको एक डायगनल दिया गया था, तब आपका आसानी से बना था। उसी तरीके से अगर आप 4.3 वाले पैरेललोग्राम को देखोगे तो वहां पर आपके पास एक एंगल दिया हुआ था साथ में। यहां पर तो कुछ दिया नहीं, ना डायगनल दिया ना एंगल दिया। तो अब आप क्या करो ना, अपने मन से एक यहां पर एंगल ले लो, कोई सा भी पैरेललोग्राम। जैसे कि हम लोग बनाते हैं तो कुछ इस तरीके का हमारा पैरेललोग्राम होता है, तो एंगल आप यहां पर अपने मन से कुछ भी ले सकते हो। चलो, हम इसको कैसे बनाना है, क्यों मैं कुछ भी बोल रहा हूं इस तरीके से, तो वो आपको मैं ड्रॉ करूंगा ना, तभी समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, तो हम लोग इसको ड्रॉ करना सीखते हैं। तो देखो, यहाँ पर हमारे पास जो मेजरमेंट है वो ये दोनों मेजरमेंट हमें दिए हुए हैं। सबसे पहले हम लोग रफली डायग्राम बना लेते हैं पैरेललोग्राम का। तो पैरेललोग्राम कुछ इस तरीके से दिखता है मैक्सिमम टाइम पे। ठीक है, वैसे तो रेक्टेंगल स्क्वायर जो है वो भी हमारा जो है ना पैरेललोग्राम ही है। पैरेललोग्राम का मतलब ये होता है कि आमने सामने की जो साइड्स हों आपस में क्या हों, पैरेलल हों, तो सीधी लाइन पर जाते जाएँ। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हमने पैरेललोग्राम बना लिया। मान लो ये हमारा 5.5 सेंटीमीटर है, ये 4.2 सेंटीमीटर है। अब हमको मेन क्या करना है ना, ये लाइन को और ये लाइन को हम आपस में अगर पैरेलल करने में सफल हो जाते हैं, सक्सेस हो जाते हैं, तो हमारा ये दोनों लाइन आपस में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल का मतलब ही क्या होता है कि एकदम सीधी जाती जाए, है ना, कहीं भी एक दूसरे को टच ना करें। जैसे ये लाइन और ये लाइन आगे मैं कितना हूँ बढ़ाऊँ तो कभी टच नहीं करेगी, उसी तरीके से इनको भी हमको उसी तरीके से बनाना है पैरेलल, ताकि ये कितना हूँ आगे बढ़ा दो आप इसको टच कभी नहीं कर पाए ये लाइन। ठीक है, तो सबसे देखो क्या करना रहता है उसके लिए पैरेलल बनाने के लिए, सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये पहले लाइन बना लो 5.5 सेंटीमीटर का। ठीक, इतने में बना लेते हैं, अच्छे से वीडियो में भी आ जाएगा। तो 5.5 कहाँ हो जाएगा हमारा, यहाँ पर, ये जो है ना 5 से लेकर के 6 के बीचों बीच में, ये हमारा 5.5 है। तो ये देखो हमारा 5.5 सेंटीमीटर का लाइन बन गया। नाम भी हम लोग इसे कुछ दे देते हैं, ए बी सी डी दे देते हैं। ठीक है ना, कुछ नाम रहता है तो बनाने में अच्छे से बनता है। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी, ये पॉइंट, ये पॉइंट, जो लाइन है वो 5.5 सेंटीमीटर की है। ठीक है, अब दो लाइन हमको जो पैरेलल बनाने हैं उसके लिए आप क्या करो ना कि सेम टाइप से एंगल बनाओ। सबसे अच्छा, चलो ये सबसे पहले मेरे को बताओ आप, जो मैंने आपको एंगल बनाना सिखाया इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही, है ना, कंपास एंगल बनाना, तो सबसे इजी एंगल कितने डिग्री का होता है? तो अब मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे कि 60 और 120 डिग्री का जो एंगल होता है ना वो सबसे ज़्यादा ईजी होता है, क्योंकि उन्हीं दोनों को बनाने के बाद हम फिर 90 बना पाते हैं या 75 बना पाते हैं। तो सबसे जो ईजी होता है वो 60 डिग्री का एंगल बनाना होता है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना रहता, कंपास में आप कितना हो अपना रेडियस जो है ना कितना बड़ा ले सकते हो, आर कितना बड़ा कर सकते हो, और यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल बनाना रहता है पहला काम। उसके बाद क्या करना है, ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये जो हमारा सर्कल टच हुआ लाइन से, उसमें रखो और एक लाइन बना दो, है ना, इस तरीके से एंगल बना दो। तो ये हमारा कितने डिग्री का हो गया, ये हमारा 60 डिग्री का हो गया। अब क्या करो, इसमें आप आगे एक और लाइन बना दो इस तरीके से, सॉरी आर कट कर दो। तो ये जो अगला आर कट हुआ है ये 120 का कट हुआ है। 120 का कट हुआ का मतलब क्या है कि ये जो हमारा पॉइंट है ना, यहाँ यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट अगर हम लाइन ले जाएंगे तो वो 120 डिग्री का बन जाएगा ऑटोमेटिकली। ये कंपास से बनाने का एक तरीका है। चलो मैं इसको मिला लेता हूँ, थोड़ा सा अंधेरे में दिख नहीं रहा है शैडो की वजह से, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। ये हम लोग इसको आगे मिला दिए, तो ये जो हमारा यहाँ पर से जो एंगल बना ना, ये वाला एंगल, ये ऑटोमेटिकली 120 डिग्री का बन गया। ठीक है, दिया नहीं था हमको, लेकिन हमने 120 का अपने मन से बनाया है। मन से क्यों बनाया है, बिकॉज हमको ये दोनों साइड्स को पैरेलल करना है। तो अब ये अगर 120 में है ना, तो इधर भी जो लाइन जाए वो 120 में ही जाएगा। अब कैसे जाएगा वो देखो आप। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ना एक लाइन बना लेते हैं इस तरीके से, देखो मतलब ये सर्कल बनाते हैं। अब अगर मैं देखना, ध्यान देना कि अब यहाँ पर अगर मैं कट कर रहा हूँ एक एंगल, तो ये कितने का बन रहा है लाइन, ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, दूसरा अगर मैं कट करता हूँ तो ये 120 का कट होता है। समझना आप इसके बारे में, जब समझाना चाह रहा हूँ उसको आप अच्छे से समझने की कोशिश करो। तो लेकिन ये जो हमारा यहाँ पर जो पॉइंट मिल रहा है ना, अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ तो ये अंदर वाले लाइन के लिए 60 डिग्री है, लेकिन बाहर अगर मैं इसमें लाइन बढ़ा दूँ, जैसे कि मान लो मैं इधर एक लाइन बड़ा कर देता हूँ ना, छोटा सा रुको, एक मैं डॉट डॉट करके लाइन बड़ा कर देता हूँ, यहाँ तक मान लो कोई भी एक लाइन जा रहा है इधर, इसका नाम ए बी हो गया ना, सी डी इधर दे देंगे, इसका नाम ई दे देता हूँ मैं। एक छोटा सा अगर मैं इधर लाइन बढ़ा दूँ, इसको बढ़ाने के लिए अब डॉट डैश डैश ही करना है, क्योंकि हमको केवल इसको 5.5 ही रखना है। तो अब अगर मैं इधर एक लाइन ले लेता हूँ, तब ये क्या होगा ना, ये ऑटोमेटिकली 120 का हो जाएगा बाहर से।
देखो कुछ इस तरीके से बता रहा हूँ आपको, पहले लाइन बनाने दो फिर आपको समझाऊंगा, तब आपका डाउट क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो अब देखो यहाँ पर जो हमारा एंगल बना ना इस साइड, ये कितने डिग्री का बना, ये ऑटोमेटिकली 120 का बना, क्योंकि इस लाइन के लिए ये वाला जो है वो 60 डिग्री है और ये वाला जो हमारा पॉइंट है ये 120 का है। तो जो हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, ठीक है, बाहर का एंगल और एक अंदर का एंगल, कभी भी दो लाइंस में जब हमारे पास दो एंगल मिलते हैं, एक बाहर में एक अंदर में, तो वो दोनों क्या होते हैं आपस में सेम होते हैं। कब सेम होते हैं, अगर लाइंस हमारे पैरेलल हैं तब। तो इधर से ये 120 बन गया, भले अंदर से ये 60 है लेकिन बाहर से ये कितना है 120 डिग्री का है। तो ये भी 120 में जा रहा है और ये भी 120 में ही जा रहा है, इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, ऑटोमेटिकली पैरेलल हो गए। तो इस तरीके से आपका एंगल बनाना है, ये ध्यान रखना, इसमें एकदम बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत होना। लाइन को आप बाहर करके भी इसको चेक कर सकते हो, बाकी आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, तो 60 बना करके आप लिख देना कि इधर बाहर से हमारा 120 है, तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। बस मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लाइन बना दिया हूँ, बाकी आप भी बना देना तो ज़्यादा बेटर, आपके टीचर भी आपको समझेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एंगल बन गया, अब हमको एकदम कुछ नहीं बचा, बस मेन यही काम था। अब आपका काम कंप्लीट हो गया, अब आपको क्या करना है, सिंपल इधर और जो हमारा साइड है 4.2 है तो इधर भी 4.2 होगा, क्योंकि हम जानते हैं आमने सामने जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो बस आप क्या करो 4.2 इसमें मेजरमेंट ले लो अपने कंपास में, तो ये हमारा 4.2 आ गया, एग्जैक्ट आ गया। अब कुछ नहीं करना है, ए में रखना है और एक आर कट कर देना है 4.2 का, उस तरीके से बी में रखना है और दोबारा से एक आर कट कर देना है 4.2 का। तो ये दोनों जो हमारे पॉइंट है ना ये 4.2 के हैं, तो इधर इसका नाम दे दो आप सी, इसका नाम दे दो डी, तो ए बी सी डी हो गया। और इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो तो ये जो लाइन बनेगा ना ये नीचे वाले लाइन के एकदम बराबर बनेगा, दिखा रहा हूँ मैं आपको, पहले इसको मिला लेते हैं अच्छे से। अब ये लाइन को हमने मिलाया तो देखो नीचे 5.5 था ना, अब इसको मेजरमेंट लो, एक आध सेंटीमीटर ये आगे पीछे अगर हीला होगा तो आया होगा, अदरवाइज एकदम ये परफेक्ट आया होगा। तो ये देखो हल्का से मेरे ख्याल से 1 सेंटीमीटर बस छोटा हो गया, बाकी ये भी हमारा 5.5 आ गया। तो कभी भी 1 सेंटीमीटर कब हिलता पता है, जब हम लोग आर कट करने में कंपास को हिला देते हैं ना उस टाइम 1 सेंटीमीटर हिलता है, उससे गलत कभी नहीं कहलाएगा, ये आपका एकदम परफेक्ट पैरेललोग्राम कहलाएगा। तो इधर आप लिख भी देना कि हमारा जो साइड है ये 4.2 सेंटीमीटर का है, तो बस ये दो साइड ही लिख दो तो काफ़ी है, बाकी इधर इधर अगर टीचर बोलते हैं लिखने के लिए तो लिख सकते हो। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट होता है, ये पूरा पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। मैंने एक एक क्वेश्चन आपको डिटेल में समझा दिया था और 3 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा भी बनाए थे 3 वीडियो जिसमें मैंने आपको एंगल्स बनाना सिखाया था, तो वो वीडियोस नहीं देखे होंगे तो जरूर देख लेना। उसके बाद आपसे ये जो पूरा का पूरा एक्सरसाइज है ना खुद ब खुद एकदम अच्छे से बनने लगेगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पर जो अगला चैप्टर है डाटा हैंडलिंग का, उसे मैं आपको मज़ेदार मेथड से सिखा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।